नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो ममता बनर्जी कह रही है कि मैं हिंदू हूं, वो कह रही है कि मैं घर से बाहर निकलती हूं तो चंडी पाठ करके निकलती हूं। नंदीग्राम में एक चुनावी सभा में वो ये बातें कह रही थी जहां से वो चुनाव लड़ रही है। आगे उन्होंने सबूत देने की कोशिश की और मंच पर ही दुर्गा मंत्र का जाप भी किया। ममता यही नहीं रुकी, ममता का यह भी कहना था कि 2011 में जब नंदीग्राम में किसानों का जमीन को लेकर संघर्ष चल रहा था तो उनके घर में काली मां की पूजा हो रही। अब आप सोचेंगे ये सब क्या हो रहा है। यही ममता 1.5-2 साल पहले मंच पर काली टोपी लगाए दिखती थी, मौलाना से घिरी रहती थी, मदरसों की, मदारों की, मस्जिदों की बात ज्यादा करती थी, लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन अचानक क्यों आया? इसकी एक बड़ी वजह धार्मिक है या सियासी है या चुनाव जीतने की मजबूरी है? तो ये अब बात आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, आंकड़ों के मद्देनजर समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में हुआ ये है कि बीजेपी ध्रुवीकरण में लगी है। बीजेपी को मालूम है कि 30-32% मुसलमान वोट उसे नहीं मिलना है तो बाकी का 70% को एक साथ कब्जा में लाना है, जिसमें ब्राह्मण वोट है, कायस वोट है, आदिवासियों का वोट है, ओबीसी का वोट है, दलितों का वोट है, आदिवासियों का वोट है। तो ऐसे में ममता को क्यों जरूरत पड़ रही है मंच पर यह कहने की मैं हिंदू हूं, मैं दुर्गा मंत्र का पाठ करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, मैं चंडी पाठ करके घर से बाहर निकलती हूँ, काली माता की पूजा मेरे यहाँ होती है, ये सब। तो ब्राह्मण वोट 2011 में 51% ममता को मिले, 40% 2016 में मिले, 2019 में घटकर 29% रह गए। इसी तरह कायस वोट 49% 2011 में, 40% 2016 में, 2019 में घटकर 24% रह गए। अदर अपर कास्ट 45% 2011 में, 2016 में भी करीब इतना ही, और 2019 में 44%। उधर बीजेपी की बात करें, ब्राह्मण वोट 2011 में 5%, 2016 में भी 5-6% और 2018 में बढ़कर सीधा 44%। कायस वोट बीजेपी को 2011 में 8%, 2016 में 8-10%, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर सीधे 65%। अदर अपर कास्ट 4% से बढ़कर 44%। तो ये ममता के लिए एक तरह से मजबूरी है कि इतना बड़ा वोट का जो शेयर है, जो हिंदू वोट का शेयर है, वो बीजेपी के पास जा रहा है। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। ममता को 2011 में 49% ओबीसी वोट मिला, 45% 2016 में मिला, जो घटकर 27% 2019 में रह गया। उधर बीजेपी को 2011 और 2016 में 5-6% ओबीसी वोट मिला था, जो 2019 में बढ़कर सीधे 68% हो गया। इसी तरह ममता को दलित वोट 38% 2011 में मिला, 41% 2016 में मिला और 2019 में यह और घटकर 31% हो गया। बीजेपी को यही दलित वोट 5-6% 2011 और 2016 में मिला था, जो बढ़कर 2019 में 59% 59% हो गया। आदिवासी वोट ममता को 47% 2011 में, 55% 2016 में, लेकिन 24% आधा रह गया, सिर्फ 24% 2019 में। उधर बीजेपी को 2016 में सिर्फ 2% आदिवासी वोट मिला था, जो बढ़कर 62% 2019 के लोकसभा चुनाव में हो गया। तो ये एक खतरा है ममता को, जिसलिए उनको अचानक काली माँ की याद आ रही है, दुर्गा मंत्र जाप करने की नौबत आ रही है, चंडी पाठ में करके घर से निकलती हूँ ये कहने की नौबत आ रही है। उधर मुसलमान वोटों की बात करें तो 2011 में ममता को 50%, 2016 में 51% और 2019 में 70% वोट मिला था। बीजेपी को यहाँ 2%, 6% और 4% मिला था, 4% 2019 में। लेकिन ममता को भी सिर्फ 70% मुसलमानों का वोट मिला, वो भी तब जब वो अकेली चुनाव मैदान में थी और उनका जो खिलाफ जो लोग खड़े हुए थे सब बटे हुए थे। उसमें सीपीएम अलग लड़ रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। उसके बावजूद 70% वोट ही ममता को मिला। और अब ममता को डर इस बात का है कि फुरफुरा शरीफ ने का जो इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया है, जिसमें सीपीएम भी शामिल है महाजोत में, कांग्रेस भी शामिल है, फुरफुरा शरीफ भी शामिल है,
इंडियन सेकुलर फ्रंट भी शामिल है और ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और ममता का मुसलमान वोट 70% से घट जाता है, आज दरकार ममता को 70% से ज्यादा 80-90% मुसलमान वोटों की है, क्योंकि अभी मैंने आपको आंकड़े बताए कि ओबीसी वोट हो, चाहे दलित वोट हो, चाहे आदिवासी वोट हो, चाहे ब्राह्मण वोट हो, ये वोट बड़ी संख्या में बीजेपी की तरह शिफ्ट कर रहा है। तो ये जो शिफ्टिंग की प्रोसेस है, इसको थोड़ा धीमा करने के लिए या इतना वोट वहां नहीं जाए, कुछ ममता की झोली में आए, इसलिए ममता को अचानक पता लगा है कि वो हिंदू है, उन्हें अचानक पता लगा कि उनको दुर्गा का मंत्र भी आता है, उन्हें अचानक ये पता लगा कि वो चंडी पाठ करके घर से निकलती है, और ये बात जनता को बतानी चाहिए, और जनता को ये बात भी बतानी चाहिए कि नंदीग्राम में जब जमीन के लिए 2011 में संघर्ष हो रहा था तो उन्हें घर में काली माँ की पूजा हो रही थी। राजनीति जो ना कराए कम है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये अनकट पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया एक बार।